हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका गुरु विद्या पर और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की हिस्ट्री सीरीज यानी कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी तो कौन सी लिखी गई थी ये पास चार ऑप्शन हैं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ हिंद स्वराज डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर माई ट्रुथ तो हमारा आंसर क्या है हिंद स्वराज ठीक है जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी आगे चलते हैं अब हम भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है तो पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा है चार गुवाहाटी रिफाइनरी विशाखापट्टनम रिफाइनरी डिगबाई रिफाइनरी या फिर बरौनी रिफाइनरी हमारा आंसर क्या है सी डिग रिफाइनरी ठीक है तो डिगबाई रिफाइनरी है वो पहला तेल संशोधन कारखाना है ठीक है आगे चलते हैं अब हम डचो का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ तो किस लड़ाई से हुआ था चार ऑप्शन का युद्ध बेद्रा का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध या फिर सप्तवर्षीय युद्ध और आंसर क्या है बी बेद्रा का युद्ध ठीक है जो बेद्रा का युद्ध था उससे हुआ था आगे चलते हैं अब हम भारत और पाकिस्तान का विभाजन इनमें से किस योजना के अंतर्गत हुआ तो किसके अंतर्गत हुआ बस चार ऑप्शन है क्रिप्स मिशन चेम्सफोर्ड योजना विवेल योजना या फिर माउंट बेटन योजना तो क्या है डी माउंट बेटन योजना बेटन योजना क्यों कहते हैं इसको क्योंकि तो लॉर्ड माउंट बेटन ने ही ये योजना बनाई थी उन्हीं की वजह से क्या हुआ था विभाजन हुआ था ठीक है आगे चलते हैं अब हम बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद के कब पारित किया, किया था तो संसद ने कब पारित किया था ये यहाँ पास चार ऑप्शन है 1971, 1976, 1975 या फिर 1980। हमारा आंसर क्या है बी 1976, 1976 में ये पारित हुआ था ठीक है आगे चलते हैं अब हम ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था सबसे पहला भारतीय कौन था यहाँ बस चार ऑप्शन है बंकिम चंद चटर्जी दादा भाई नौरोजी राजेंद्र प्रसाद या फिर डब्ल्यू सी बैनर्जी हमारा तो आंसर क्या है बी दादा भाई नारोजी ठीक है जो दादा भाई नारोजी थे वो पहले ऐसे भारतीय थे जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने आगे चलते हैं अब हम भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की कि, पार्टी की सरकार थी तो किस पार्टी की सरकार थी उस टाइम पे हमारे पास चार ऑप्शन से लिबरल पार्टी कांग्रेस पार्टी लेबर पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर क्या है सी लेबर पार्टी उस टाइम पे जब आजाद हुआ था भारत तब इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी लेबर पार्टी ठीक है आगे चलते हैं अब हम निम्न में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है तो किसको दिया जाता है, अब है चार ऑप्शन है अनंगपाल वज्रता रुद्रेण या फिर देवराज हमारा आंसर क्या है ए अनंगपाल जो अनंगपाल है वो वो ऐसे तोमर शासक थे जिनको दिल्ली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है ठीक है आगे चलते हैं अब हम कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका संयोजन थी किसका थी यहाँ पर चार ऑप्शन से इंडो इस्लामी शैली इंडो फारसी शैली इंडो चीन शैली या फिर इंडो ग्रीक शैली और आंसर क्या है डी इंडो ग्रीक शैली ठीक है ये जो गांधार शैली थी वो किससे निकली थी इंडो ग्रीक शैली से आगे चलते हैं अब हम महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था तो किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया था अब चार ऑप्शन प्रथम गोलमेज तृतीय गोलमेज द्वितीय गोलमेज या फिर इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर क्या है सी द्वितीय गोलमेज तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज में, में पार्ट लिया था ठीक है आगे चलते हैं अब हम बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस दौरान दी गई हमारे पास चार ऑप्शन है होम आंदोलन, 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 या फिर कारावास के समय तो कब दी गई थी हमारे पास चार ऑप्शन है हमारा आंसर क्या है होम रूल आंदोलन ठीक है जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको लोकमान्य की उपाधि जो थी वो होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी ठीक है आगे चलते हैं अब हम किसने चित्तौड़ के किले में विजय स्तंभ का निर्माण किया था तो किसने किया था विजय स्तंभ का निर्माण हमारे बस चार ऑप्शन हैं राणा सांगा राणा रतन सिंह राणा हमीर देव या फिर राणा कुंभ हमारा तो आंसर क्या है राणा कुंभ ने डी ऑप्शन ठीक है राणा कुंभ ने किले में विजय स्तंभ का निर्माण किया था ठीक आगे चलते हैं अब हम रघुपति राधाव राजा राम के लेखक कौन है जो रघुपति राघव राजाराम लिखी गई है उसका लेखक कौन है हमारे चार ऑप्शन है नरसिंह मेहता प्रेमानंद चुन्नीलाल या फिर विष्णु दिगंबर पालुस्कर हमारा आंसर क्या है डी विष्णु दिगंबर पालुस्कर ठीक है जो रघुपति राघव राजाराम लिखी गई है वो किसने लिखी है विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने आगे चलते हैं अब हम नमक कानून के उल्लंघन के साथ ही गांधी जी ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसे कहा जाता है उस आंदोलन को क्या कहा जाता है हमारे पास चार ऑप्शन है असहयोग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन नागरिक अवज्ञा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर क्या है सी नागरिक अवज्ञा आंदोलन ठीक है आगे चलते हैं अब हम हड़प की नीति को पहली बार किस रियासत में लागू किया गया था जो हड़प की नीति थी उसको सबसे पहले किस रियासत में लागू करा था हमारे पास चार ऑप्शन है सतारा छांसी अवध या फिर जौनपुर हमारा आंसर क्या है सतारा सतारा के अंदर लागू किया गया था इसको ठीक है आगे चलते हैं अब हम किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान किया था तो किस मुगल शासक ने दिया था यह अधिकार अब चार ऑप्शन है मोहम्मद शाह फरूख सियर बहादुर शाह प्रथम या फिर अहमद शाह हमारा आंसर क्या है बी फरूख ठीक है फरूख ने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कि वो बंगाल में आगे व्यापार कर सके ठीक है आगे चलते हैं अब हम बंगाल का स्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था तो किसके द्वारा शुरू किया गया था बस चार ऑप्शन है क्लाइव है तो क्लाइव हेस्टिंग या फिर तो हमारा आंसर क्या है डी कॉर्नवालिस ठीक है कॉर्नवालिस ने किया था आगे चलते हैं अब हम भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पहली बार किसके समय हुई थी तो किसके समय पर हुई थी यहाँ पर चार ऑप्शन है मैकाले वॉरन हेस्टिंग्स लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक हमारा तो आंसर क्या है सी लॉर्ड कैनिंग तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी ठीक है आगे चलते हैं अब हम प्रार्थना समाज ये संस्थापक कौन थे तो कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक चार ऑप्शन से स्वामी सहजानंद आत्माराम पांडुरंग स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं और आंसर क्या है बी आत्माराम पांडुरंग जो आत्माराम पांडुरंग थे उन्होंने किसकी स्थापना की थी प्रार्थना समाज की ठीक है आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिम्बिसार किस राजवंश से संबंधित है तो किस राजवंश से संबंधित है बिम्बिसार हमारे पास चार ऑप्शन है हरियक राजवंश शिशुनाग राजवंश नंगा नंदा राजवंश या फिर इनमें से कोई नहीं वर आंसर क्या है हरियक राजवंश ठीक है जो बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित है हरियक राजवंश से ठीक है तो इसी के साथ हमारे स्टूडियो के बीस क्वेश्चन कम्प्लीट होते हैं उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद